देशों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में ऐसी एक आदत बन गई थी, स्वभाव से हम देश को कम आंकना, देश के प्रति गौरव के भाव का अभाव होना, ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में घुस गया था। और हम तो कभी कभी तो लेट आए तो कहते थे इंडियन टाइम, शर्म के साथ हम बोल देते थे। देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई है। किसी जमाने में कहा जाता था अरे खिलौने भी बाहर से आते थे, वो दिन देखे हमने। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने दुनिया के बाजार में अपनी थमक लेकर के पहुंच गए। खिलौने हमारे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए। कोई एक जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है, और आज हम मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। साथियों, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी है, एआई जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे। टैलेंट यहां है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा, और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं। और हम उसको साथ में एक जमा